यंग एचीवर न्यूज के संवाददाता यतीश व्यास की बसंत विहार दादाबाड़ी केशवपुरा से ग्राउंड रिपोर्ट। कोटा शहर में कल से चल रही एक अफवाह जो कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की बसंत विहार निवासी दुर्गा शंकर गुप्ता को लेकर की जा रही थी। आज उनकी जयपुर भेजी गई रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि कोटा कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने की। प्रशासन ने एहतियात के तौर 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया है। पूरे इलाके के मुख्य मार्ग व गली को जोड़ने वाला रोड को हर तरफ से बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। उन सभी लोगों को घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है जो दुर्गा शंकर गुप्ता के संपर्क में आए थे। पूरे इलाके को सेना ट्राइज किया जा रहा है। सेना ट्राइज करने का काम रोजगार उत्थान खेला फुटकर समिति लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद इन्हें नहीं की जा रही है। सर, हमें 7 दिन हो गए कोरोना वायरस का स्प्रे करते हुए। ये हमारे संसाधन है और नगर निगम से हमें सैनिटाइज मिलता है। आज हमें पता पड़ा कि इधर कोई केस निकला हुआ है, तो हम लोगों ने आज सुबह से यहाँ पर कोरोना वायरस का स्प्रे किया। कौन सा केस निकला है? सर कोई बता रहा नहीं, पॉजिटिव केस है, मगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव आया है। राहत भरी सांस है कोटा वासियों के लिए। आप ये सैनिटाइज किसकी तरफ से कर रहे हो? सर ये हमारी संस्था है, नगर निगम से हमें सैनिटाइज दे रहा है, निःशुल्क कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पूरे संसाधन हमारे द्वारा खरीदे गए हैं। क्या नाम है उस संस्था का? सर हमारे रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति है, जो हम लोगों ने बना रखी है और हम 20-20 रुपए चंदा करके सामान के उपकरण खरीद। नगर निगम की तरफ से कोई हेल्प नहीं है? सर कोई मशीनों की हेल्प नहीं है, बस सैनिटाइज दिया जा रहा है जिसका छिड़काव हो। कितने इलाकों में कर चुके हैं अभी तक? सर ये हम लोग केतुनी पोल से नदी पार पूरा क्षेत्र हम नहीं कराए, आज यहाँ इसमें आए हम लोग। और अभी आप कितने बजे से कितने बजे तक करते हो? सर हम सुबह 8 बजे से रात को 8-9 बजे तक करते हैं। सर हमारे सदस्यों के बोस्तों के निशान भी हो चुके हैं इसकी वजह से। नाम बताएं? मेरा नाम है रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति जिला अध्यक्ष नितिन सैनी।